मित्रों नमस्कार। अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी आपको संबोधित करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय शेखावत जी से आपको संबोधित करें। धन्यवाद संजय जी। मित्रों एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय और आज के घटनाक्रम को लेकर के कुछ आपसे चर्चा करने के लिए आप सब लोगों के बीच में मैं आज उपस्थित हुआ हूं। लगातार पिछले 5 वर्षों से हम इस बात की चर्चा आप सब के माध्यम से राजस्थान प्रदेश के लोगों के सामने और देश के लोगों के सामने रख रहे थे कि वर्तमान की अशोक गहलोत सरकार ने भ्रष्टाचार के सभी मानबिंदुओं को पार करके नए बेंचमार्क्स ऐसे बना दिए हैं। राजस्थान में जिस तरह से राजस्थान के लाखों युवाओं के भविष्य को अंधकारमय बनाते हुए अ सीरीज ऑफ पेपर लीक हुआ, एक से लेकर के 19 बार तक लगातार राजस्थान में जिस तरह से पेपर लीक हुए उसके कारण से राजस्थान के 70 लाख युवा जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित हुए थे उनका भविष्य न केवल अंधकारमय हुआ अपितु सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती की व्यवस्था पर से भी प्रदेश के लोगों का, प्रदेश के युवाओं का और प्रदेश के ऐसे एस्पिरेंट युवाओं के परिवारजनों का विश्वास समाप्त हो गया। उन 70 लाख युवाओं में से निश्चित ही अधिकांश युवा किसी गरीब के बेटे थे, किसी साधारण परिवार के बेटे थे, किसी किसान के बेटे थे, किसी आदिवासी परिवार के बेटे या बेटी थे या किसी दलित परिवार के बेटे या बेटी थे जिन्होंने पेट काट करके इस आशा के साथ में कि बेटे के द्वारा किए गए परिश्रम के चलते हुए जब उसे सरकारी नौकरी प्राप्त होगी उसके जीवन में एक स्थायित्व आएगा और साथ 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 ही साथ परिवार का सम्मान भी एक बार फिर पुनः स्थापित होगा। इस आशा के साथ में उन्होंने कठोर परिश्रम करके अपने बच्चों को जिस तरह से पढ़ाया, युवाओं ने भी एक बेहतर भविष्य की अपेक्षा में जिस तरह से रात रात भर जाग करके परिश्रम किया लेकिन अंततः उसका परिणाम पेपर लीक के माध्यम से उजागर हुआ। यहां दीगर बात यह है कि पहले पेपर लीक से लेकर के 19वें पेपर लीक तक लगातार सरकार और सरकार में बैठे हुए लोग इस पर लीपा पोती करते हुए नजर आए। प्रारंभ के पेपर लीक के समय माननीय गहलोत साहब ने प्रतिक्रिया देते हुए फौरी तौर पर यह कहा कि इस तरह की घटनाएं होना सामान्य बात है और अन्य प्रदेशों में भी इस तरह की घटनाएं होती है। बाद में उन्होंने अपना राग परिवर्तित करते हुए राग में दूसरा सुर अलापा और उन्होंने कहा कि इसमें हम जांच करवाएंगे। वो क्रम न थमने पर बाद में उन्होंने फिर अपने राग में अपने सुर में तीसरा राग अलापते हुए कहा कि इसमें कोई भी अधिकारी और कर्मचारी लिप्त नहीं है और निरंतर 18 पेपर लीक होने तक वो हर बार बिना मांगे ही कर्मचारियों, अधिकारियों और राजनेताओं को क्लीन चिट ऐसे प्रदान करते हुए दिखाई दिए। 18वें पेपर लीक के बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड आंदोलन राजस्थान प्रदेश के हर एक जिले में खड़ा किया और उसके बाद जिस तरह की परिस्थितियां बनी और मैं अभिनंदन करना चाहता हूं आप सब पत्रकार मित्रों का भी कि आपने जिस निर्भीकता और निष्पक्षता के साथ में इस सब विषय को देश और प्रदेश की जनता के सामने रखा तब दबाव में आकर के गहलोत सरकार को कुछ फौरी तौर पर कार्रवाई करनी पड़ी और कार्रवाई कुछ कदम चली थी। हम सब के संज्ञान में है कि आरपीएससी के सर्विंग मेंबर को जेल जाना पड़ा और इसके साथ साथ में कांग्रेस सरकार के द्वारा मंत्री पद का दर्जा दिए गए व्यक्ति को भी रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। पेपर लीक के इस प्रकरण में ईडी के प्रवेश के बाद में इसके सरगना की गिरफ्तारी हुई और सरगना की गिरफ्तारी के बाद में जिस तरह के तार जुड़ते हुए प्रतीत हुए उनके चलते हुए ईडी ने जो हालिया कार्रवाई की है उन कार्रवाइयों का परिणाम यह है कि आज
सरकार बैकफुट पर है और बौखलाई भी नजर आ रही है, लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार का यह संकल्प पहले दिन से है कि हम किसी भी सूरत में किसी भी क्षेत्र में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए हम इस दृष्टिकोण से आचरण और व्यवहार करेंगे। इस पेपर लीक के केस में एसओजी और एंटी करप्शन ब्यूरो जो राजस्थान सरकार के मुखिया आदरणीय अशोक गहलोत साहब के अधीन काम करती हैं, गृह मंत्री होने के नाते और मुख्यमंत्री होने के नाते डायरेक्ट कंट्रोल एंड कमांड मुख्यमंत्री जी का है, जब मुख्यमंत्री स्वयं आगे चल करके इस तरह की क्लीन चिट अधिकारियों और नेताओं को दे रहे थे, तब कोई भी कार्रवाई निष्पक्ष रूप से इन एजेंसीज के द्वारा हो सकेगी इसकी संभावनाएं राजस्थान के जनता के मन में समाप्त हो गई थी। राजस्थान का युवा ये मानता था कि इस दृष्टिकोण से किसी भी तरह से हमें न्याय नहीं मिल सकेगा। राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो के सेवानिवृत्त डायरेक्टर जनरल बीएल सोनी साहब ने खुद वीडियो करके ये कहा और इस बात को स्वीकार किया कि सरकार बड़ी मछलियों पर हाथ डालने नहीं देती थी, हम पर दबाव डाल करके रोकती थी। अब जब इस प्रकरण से जुड़ी हुई बड़ी मछलियों पर ईडी ने कार्रवाई करना प्रारंभ किया है, तब निश्चित ही सरकार में बैठे हुए लोगों को अपनी धरातल हिलता हुआ प्रतीत होता है, अपनी धरती धूसती भी प्रतीत होती है, अपनी कुर्सी खिसकती भी प्रतीत होती है, और इसके चलते हुए वो ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की फौरी प्रतिक्रियाएं करते हैं। आज उन 70 लाख युवाओं और युवतियों को न्याय दिलाने के लिए जब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने नियमानुसार कार्रवाई करना प्रारंभ किया है और उसमें जिस तरह की जब्ती संपत्ति की सोने की और कागजात की हो रही है, आज उन सब ऐसे 70 लाख युवा और उनके परिजन जिन्होंने खून के आंसू बहाए थे सरकार की इस विफलता और सरकार के में बैठे नुमाइंदों की मिलीभगत के चलते हुए जिस तरह के पेपर लीक के प्रकरण राजस्थान में हुए थे, उनसे अब न्याय की उम्मीद उनके खिलाफ हो रही इस कार्रवाई के चलते हुए इन युवाओं और उनके परिजनों के मन में जागी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ये बताएं कि गोविंद सिंह डोटासरा जी के ऊपर यदि वो सम्मिलित हैं, उनके सूत्र और तार ई पेपर लीक के यदि उनके परिवार और उनसे जुड़े हुए मिलते हैं, तो इन गरीबों, इन दलितों, इन शोषितों, इन पीड़ितों ऐसे और उनके परिवार के युवाओं को न्याय दिलाने के लिए उन पर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं आप सबको स्मरण कराना चाहता हूं कि जब माननीय मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि कोई भी अधिकारी और कर्मचारी इसमें सम्मिलित नहीं है, तब पहली जांच जब एंटी करप्शन ब्यूरो ने की थी, उस पहली जांच में उसके सूत्र जो है अधिकारियों और नेताओं तक पहुंचे थे, लेकिन इस राजनीतिक स्तर पर हुए भ्रष्टाचार को दबाने के लिए गहलोत सरकार ने उस जो है जांच को रोकने का काम किया था। मुख्यमंत्री जी एक तरफ तो इस बात को कहते हैं कि ईडी को आर्थिक नियम अनियमितताओं के लिए कार्रवाई करनी चाहिए, दूसरी तरफ जब इस तरह की आर्थिक अनियमितता पर कार्रवाई होती है तब वो तिलमिला करके अलग तरह के बयान देते हुए प्रतीत होते हैं। मैं आज उनसे ये प्रश्न करना चाहता हूं कि पेपर लीक के माध्यम से जिस तरह का षड्यंत्र लाखों युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने के लिए हुआ और उसमें जिस तरह से लाखों लाख रुपए का या करोड़ों रुपए का जिस तरह से लेन देन हुआ, क्या वो आर्थिक अपराध की श्रेणी में नहीं आता? दूसरा, मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि आर्थिक अनियमितताओं पर जांच तो होनी चाहिए, लेकिन जब उनके पुत्र के द्वारा किए गए आर्थिक अनियमितता पर कोई जांच होती है उस पर वो तिलमिला करके प्रतिकूल बयान देते हुए प्रतीत होते हैं। आज उन्होंने इस ईडी की कार्रवाई को अपने द्वारा दी जा रही खोखली गारंटियों जिनके ऊपर से जनता का विश्वास समाप्त हो गया उनके साथ जोड़ने की एक बार पुनः चेष्टा की है। राजस्थान के किसानों के साथ धोखा करने वाली, राजस्थान के युवाओं के साथ अन्याय करने वाली, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली, राजस्थान के माताओं बहनों के सम्मान को गिरते हुए आंख मूंद करके देखने वाली इस वर्तमान अशोक गहलोत सरकार
कि तिलमिलाहट आज और बौखलाहट आज स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मैं एक विषय और आप सबके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो माननीय गहलोत साहब के बेटे के खिलाफ कार्रवाई की है उसके तार मॉरिशस से हवाला के जरिए पैसा जाना और रीरूट होकर के पैसा आना इस प्रकरण से जुड़े हुए। इस तरह से देश में काले धन को रोटेट करके उसको जायज बनाने का जो प्रयास होता था और उसको रोकने के लिए जिस तरह से कि भारत की सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम किया है और सफलतापूर्वक उस पर लगाम लगाने की कोशिश की है, मेरा प्रश्न यह है कि इस पर जांच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर के अशोक गहलोत साहब को स्पष्टीकरण देना चाहिए। जहां तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात है, अब जो माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार इस बात का दोषारोपण करते हैं कि ईडी की कार्रवाई उन्हीं प्रदेशों में होती है जहां चुनाव होने वाले और विपक्षियों को टारगेट करके ईडी की कार्रवाई की जाती है, मैं आज आप सबसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि अब से पहले जितने प्रमुख ईडी के केसेस हुए हैं उनमें से कितनों में न्यायालय ने राहत प्रदान की है? अगर सरकार के किसी दबाव में एक स्वतंत्र एजेंसी ने गलत काम किया होता तो निश्चित ही न्यायालय ने उसमें हस्तक्षेप करके न्यायपालिका ने निश्चित रूप से राहत प्रदान की होती। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पिछले 9 साल के रिकॉर्ड को यदि उठा करके देखा जाए तो मैं जिम्मेदारी के साथ में ये कह सकता हूं कि ईडी के द्वारा पीएमएलए में रजिस्टर्ड किए गए केसेस में 93% से भी ज्यादा कन्विक्शन हुआ है। 93.54% केसेस में कन्विक्शन अब तक हुआ है। शायद दुनिया के किसी भी एजेंसी के द्वारा किए गए कार्रवाई में कन्विक्शन की रेट जो है वो इस स्तर पर नहीं होगी। इसलिए ईडी पर दोषारोपण करके ईडी का पॉलिटिसाइजेशन करने की कोशिश करना और ईडी की कार्रवाई का पॉलिटिसाइजेशन करने की कोशिश करना, मोर प्रिसाइजली आई शुड से, ये निश्चित रूप से एक स्वतंत्र ऐसी निरपेक्ष रूप से काम करने वाली एजेंसी पर अन्यथा प्रश्न चिन्ह खड़ा करके उसकी साख को गिराने का कुत्सित षड्यंत्र है। मैं इसी क्रम में आगे आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ईडी ने जो कुल मिलाकर के अब तक जितने केसेस किए हैं, जो पिछले 9 साल के केसेस हैं, उन केसेस में अब तक जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अब तक जितने केसेस किए हैं उन 5,996 के 906 केसेस में से केवल 3% केसेस ही पॉलिटिकल लोगों जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं या उन्होंने पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम किया है, उनमें से केवल 5,900 केसेस में केवल 3% लोग ही ऐसे। इसलिए इस तरह का निराधार आरोप मत देना कि ईडी केवल पॉलिटिकल इंटेंट से लेकर के पॉलिटिकल लोगों पर कार्रवाई करती है, ये सर्वथा आधारविहीन है। अशोक गहलोत साहब भ्रष्टाचार पर होने वाली कार्रवाई से इसलिए तिलमिलाए हुए कि उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे पैमानों को तोड़ दिया। और ये केवल यदि मैं यहां बैठ करके कहता तो शायद आप लोग ये कह सकते थे कि ये मैं राजनीतिक वक्तव्य दे रहा हूं, उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने, विधायकों ने विधानसभा पटल पर, मंत्री पद का दर्जा प्राप्त मुख्यमंत्री के सलाहकार ने विधानसभा के पटल पर और उनकी पार्टी के मंत्रियों ने जनता के बीच में हजारों लोगों की उपस्थिति में इस तरह के वक्तव्य दिए कि हमारी सरकार इस सदी की भ्रष्टतम सरकार है, उसने भ्रष्टाचार के सारे पैमाने तोड़ दिए, जब उनकी पार्टी के नेता भी जिस बात को स्वीकार करते थे और जहां राजस्थान की आम जनता जिस विषय से जुड़ी हुई है उस भ्रष्टाचार के विषय पर नकेल कसने के लिए, भ्रष्टाचारियों को उनके सही मुकाम पर पहुंचाने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के लिए, भ्रष्टाचार से अर्जित धन को वापस वसूलने के लिए जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या कोई अन्य एजेंसी इस तरह की कार्रवाई करती है, उससे मेरा प्रश्न यह है कि गहलोत साहब और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द क्यों होता है? ये वही सचिन पायलट साहब थे जो आज दोनों गलभैया डाल करके दोनों जो है साथ मिलकर के चुनाव लड़ने का ऐसे वक्तव्य दे रहे हैं। आपको याद दिलाना चाहता हूं कुछ दिन पहले इसी पेपर लीक के विषय को लेकर के टिप्पणी करते हुए उन्होंने अनशन भी किया था और उन्होंने अजमेर से लेकर के जयपुर तक की यात्रा भी निकाली थी। आज की इस कार्रवाई के बाद अशोक गहलोत साहब के द्वारा दिए गए वक्तव्य पर मैं चाहता हूं कि वो भी अपनी तरफ से कुछ टिप्पणी करें। इसी के साथ आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।
देखिए निश्चित रूप से पिछले वर्षों से निरंतर इस विषय को लेकर के जांच चल रही थी और उस जांच में पिछले दिनों में कुछ नए सूत्र ऐसे जांच करने वाली एजेंसीज को मिले हैं जिसके आधार पर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। किसी भी व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाना अगर वो गैरकानूनी है तो मुझे लगता है कि फिर तो इस देश में कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती। और मेरा प्रतिप्रश्न यह है, 4.5 साल से राजस्थान में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े हुए विषय को लेकर के तमाम राजनीतिक बयानबाजी की जा रही थी और उस बयानबाजी की प्रतिक्रिया में हार करके मुझे मानहानि का केस भी करना पड़ा। 4.5 साल तक जांच करने के बाद में चुनाव से जो है चुनाव की घोषणा होने के बाद में 15 दिन पहले मुझे पहली बार सेक्शन 91 सीआरपीसी में नोटिस देकर के क्यों बुलाया गया, क्यों मुझे नोटिस देकर के पहली बार डॉक्यूमेंट मांगे गए। मेरे से 4.5 साल तक डॉक्यूमेंट भी नहीं मांगे थे, अब 4.5 साल बाद पहली बार मुझे डॉक्यूमेंट क्यों मांगे गए? तो अपने गिरेबान में झांक करके उसके बाद में इस तरह के प्रश्न का खड़े करना चाहिए। पॉलमी साहब, so this is the same reply which I have given, that my question is why in the other case which he wants to elise me your chief minister and the congress party, usme 4.5 saal baad mein why they have given me notice to submit the papers which I have already submitted 4 years ago without any notice suo moto by a suo moto representation in 2020 and 22 when I have submitted all that data and all relevant papers, then why he has given me notice to submit the papers? They might be the inquiring agencies, they must be having some details, so they have given notice. Why they are afraid of this? Ankit Gupta. क्योंकि मुझे लगता है कि इन सब विषयों का कहीं कोई तारतम्य नहीं है। राजस्थान में जिस तरह का माहौल है, गहलोत साहब और कांग्रेस पार्टी खुद इस बात को जानते हैं और राहुल गांधी साहब तो सहज रूप से बात करते हुए भी इस बात को सरकार स्वीकार कर चुके हैं कि उनकी सरकार जाने वाली है। पहले वो अपने घर में ठीक करें, धरातल पर के पर निगाह डाल करके देखें। प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है और सरकार आने के बाद में इन सब विषयों को लेकर के जो किसानों के साथ अन्याय हुआ है और जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, उनके सारे जिम्मेदार लोगों के साथ में प्रभावी कार्रवाई हो। पेपर लीक करने से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति को उसके किए के अंजाम की सजा भुगतनी पड़े, इसको भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने के बाद, जो आना अवश्यंभावी है, मैं दीवार पर लिखा हुआ पढ़ सकता हूं, आने के बाद प्रभावी कार्रवाई करेगी। ठाकुर रविंद्र सिंह। थोड़ा क्लियर क्वेश्चन करिए, थोड़ा जोर से। देखिए मैंने जैसा कहा कि ऐसी गारंटी जिन पे से राजस्थान की जनता का विश्वास उठ चुका है, ऐसी खोखली गारंटियां पहले बिजली देने के नाम पर, किसान को फ्री बिजली देने के नाम पर, अन्नपूर्णा किट के नाम पर, मोबाइल देने के नाम पर और गैस का सिलेंडर 500 रुपए में देने के नाम पर जितनी गारंटियां दी गई थी, उन गारंटियों की राजस्थान की जनता ने सिरे से नकार दिया। इसलिए अब इन नई गारंटियों के साथ में एक जो नए लिफाफे में डाल करके पुरानी गारंटी को वापस पेश किया। मार्च में बजट पेश में ये कहा गया था कि हम जो है 500 रुपए में सिलेंडर जनता को देंगे, अब वही गारंटी प्रियंका गांधी जी के मुंह से आप उसी गारंटी को पेपर में डाल करके वापस दिला रहे हो। मैं तो आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी की सरकार से कि जो गारंटीज मुख्यमंत्री जी ने अभी राजस्थान में दी है, एक बार हिमाचल में, छत्तीसगढ़ में भी जो गारंटीज दी गई थी, उन गारंटीज को भी एक बार आकलन कर लें कि उनमें से कितनी गारंटी आप अब तक पूरा कर पाए।
मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई हो, भ्रष्टाचार से अर्जित धन पर कोई कार्रवाई हो, उसको लेकर के किसी तरह के मुहूर्त निकालने की आवश्यकता नहीं होती। जब भी ऐसा कोई विषय संज्ञान में आता है, उस पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। ये नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है और इस संकल्प के साथ पिछले 9 साढ़े 9 साल से सरकार ने काम किया है। अगर उनको लगता है तो जाकर के चुनाव आयोग से चर्चा करनी चाहिए, रिप्रेजेंट करना चाहिए। किसी आर्थिक विषय से जुड़े अपराध पर यदि कोई एजेंसी लेजिटिमेट एक्शन करती है, उसमें चुनाव आयोग का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहां बाधा बनता है। मुख्यमंत्री जी ने, मुझे लगता है कि ये प्रश्न जो है, ऐसा विषय जो उठाया है, मेरा प्रति प्रश्न यह है कि 4.5 साल से आपकी एजेंसी जब इस पर जो कार्रवाई कर रही है, उस कार्रवाई में आप अभी तक अंजाम पर क्यों नहीं पहुंचा पाए। क्योंकि कार्रवाई का उद्देश्य ये नहीं है कि जिन इन्वेस्टर्स का पैसा डूबा उनको उनका पैसा उनको वापस दिलाया जाए। क्योंकि अगर यही उनका संकल्प होता तो 14 इस तरह की सोसाइटी जो हैं, जो सिंक हो गई हैं, जिनके इन्वेस्टर्स अपने निवेश किए हुए धन को प्राप्त करने की लालसा के साथ में घूम रहे हैं, उनमें से किसी एक पर भी, एक को छोड़कर के किसी अन्य किसी और 13 में से किसी एक पर भी आपका वक्तव्य आपने कभी मुख्यमंत्री जी का सुना है? कभी आपके उनके नाम भी संज्ञान में आए? पॉलिटिकल वेंडेटा के चलते हुए मुझे झूठा फंसाने के लिए जिस तरह के 4.5 साल तक षड्यंत्र किए, मेरा तो प्रश्न आज ये है कि 4.5 साल में आप अपनी एजेंसी के तहत प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं कर पाए। पहली बार 4.5 साल बाद में मुझे 91 सेक्शन सीआरपीसी में नोटिस दिया है कि मैं अपने पिछले 10 साल के अकाउंट डिटेल्स और जो है अपने प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन सबमिट करूं। वो तो मैं हर साल हर 6 महीने बाद में मंत्री होने के नाते मेरी ड्यूटी है, वैसे ही सबमिट करता हूँ। पब्लिक डोमेन में कहीं से भी निकाल करके देखे जा सकते थे। और जैसा मैंने कहा कि 2020 और 22 में मैं तो जांच एजेंसी को सुओ मोटो एक रिप्रेजेंटेशन लिख करके, अगर मेरे खातों की जांच करनी हो तो मैं कागज भेज रहा हूँ, आप चेक करवा लें, ये पहले ही भेज चुका हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।